दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक अमर को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नील मोहन ने शुक्रवार को कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस वीडकॉन 2018 में मोनेटाइजेशन पॉलिसी को और आसान करने की घोषणा की। इसके जरिए यूट्यूबर अपने चैनल के जरिए ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नील मोहन ने बताया कि अगर किसी चैनल के पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है तो वो अपने चैनल को पेड बना सकता है, यानी कि यूजर्स उसके चैनल का $4.99 करीब ₹340 में मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बाद यूजर्स चैनल की तरफ से दिए जाने वाले कई बेहतरीन फीचर्स का फायदा ले सकते हैं। नील मोहन ने बताया कि नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत यूट्यूब में 3 तरह के नए फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि चैनल अपने कंटेंट के जरिए पहले से ज्यादा कमाई कर सके। पहला फीचर ट्वीट सब्सक्रिप्शन है, जिसके जरिए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी ये फीचर सिर्फ अमेरिका में ही शुरू किया गया है और जल्द ही इसे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले चैनल के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। क्या है बाकी के दो फीचर्स डैश दूसरा खास फीचर है मर्चेंडाइज। इसके जरिए हर वीडियो के नीचे एड लिंक जोड़ी जा सकती है। अभी तक वीडियो क्रिएटर को पर्सनल स्टोर फ्रंट को वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक कराना पड़ता था, लेकिन अब चैनल में ही एक सेक्शन मिलेगा जिसमें हर प्रोडक्ट की कीमत और फोटो दिखा सकेंगे। डैश तीसरा फीचर है प्रीमियर जोड़ा गया है, जिसके जरिए क्रिएटर अपने पहले से रिकॉर्डेड वीडियो को पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा सकते हैं, साथ ही बाकी यूजर से चैट भी कर सकते हैं। क्या है नई पॉलिसी में, इस पॉलिसी में बदलाव करने के बाद अब उन्हीं चैनल एड ले मिल पाएगा जिस चैनल पर 1 साल में कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो, साथ ही कुल 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो। डैश 4,000 घंटे यानी 4,060 इक्वल्स 2,40,000 मिनट को वॉच टाइम होने जरूरी है। डैश नई पॉलिसी में चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर होने के साथ कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स होने भी जरूरी है। डैश इस क्राइटेरिया में आने वाले चैनल्स को ही गूगल से एड लेने की सुविधा मिलेगी। इस क्राइटेरिया में न आने पर मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा।